क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाले सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टीवी। दोस्तों मैं अपने चैनल स्पोर्ट्स टीवी में एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आईसीसी टी20 रैंकिंग के बाद आज आईसीसी ने ओडीआई नई वनडे रैंकिंग खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी कर दी है और कौन किस नंबर पर हैं आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्पोर्ट्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खिलाड़ियों की वनडे रैंकिंग जारी कर दी जिसके मुताबिक बाबर आजम और फखर जमान तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। आईसीसी वनडे रैंकिंग में 210 बेहतरीन बल्लेबाजों में पाकिस्तान के सिर्फ बाबर आजम शामिल हैं जिन्होंने एक दर्जा तरक्की पाकर 5वें पोजीशन पर कब्जा कर लिया। तरक्की पाने वालों में कौमी टीम के फखर जमान भी शामिल है दोस्तों, जो कि 11वें पोजीशन पर आ गए हैं। दोस्तों बेहतरीन बल्लेबाजों की फुर्सत में भारत के रोहित शर्मा दूसरे और न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ने कैरियर में पहली मरतबा तीसरी पोजीशन हासिल की। दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में 86 और 86 रन की इनिंग्स की हुई थी। आईसीसी रैंकिंग में इंग्लैंड के जोई रूट और अपनी तीसरी पोजीशन बरकरार रखी, जबकि ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर तंगली के बाद 6वें पोजीशन पर पहुँच गए हैं। दोस्तों जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान फॉफ डुप्लेसी ने तरक्की पाकर 7वें पोजीशन संभाल ली। भारत के शिखर धवन और न्यूजीलैंड के टीम के कप्तान केविन विलियमसन ने बसूर 8वें और 9वें नंबर पर मौजूद हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका के केविन डिकॉक तंजली के बाद 10वें पोजीशन पर आ गए। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ आईसीसी ने टी20 रैंकिंग जारी की थी दोस्तों, इसमें बाबर आजम ने अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखी जबकि मोहम्मद हफीज़ की रैंकिंग में 16 दर्जी तरक्की भी हुई थी। और ये थी आज की दोस्तों हमारी एक छोटी सी वीडियो जो कि हमने आपको बताया तमाम उन खिलाड़ियों के बारे में जो कि आईसीसी के टॉप 10 बैट्समैनों में उनका शुमार होता है, उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी भी थे। और यकीनन आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती है तो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।